हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी पर। पर डिकंस्ट्रक्शन कहने से पहले कंस्ट्रक्शन तो जानना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या है और आर्ट में इसकी अहमियत क्या है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आर्ट में डिकंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन क्यों आया है और क्यों हमें लिटरेचर और हर जगह पे आर्किटेक्चर ये सब सारे जगह पे कंस्ट्रक्शन के साथ हमें डिकंस्ट्रक्शन का दिखाई देता है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है कि जहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म के साथ हम, क्योंकि डिकंस्ट्रक्शन एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन का अंदर फर्क कितना है इस बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज इसे फर्क करना बहुत आसान नहीं है। और डिकंस्ट्रक्शन जो पार्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्ड से आता है, स्ट्रक्चर से आता है। स्ट्रक्चरलिज्म जहाँ पे आता है कि स्ट्रक्चर क्या है, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्योरी क्या किस लिए बना है कि एक सीएटी कैट, अगर हम कहें सीएटी कैट या बीएटी बैट, तो इसके एक स्ट्रक्चर इमेज तुरंत हमारे दिमाग में फॉर्म हो जाता है। सीएटी कैट मतलब बिल्ली हो जाता है। बिल्ली क्या है? एक म्याऊं म्याऊं करने वाले एक पशु है, जो भी हम जानते हैं सब, तो वो बिल्ली है। तो एक इमेज के साथ, एक बच्चे को जब पढ़ाया जाता है बचपन में, तो वो इमेज वाला किताब होता है, टेक्स्ट होता है। कैट क्या है? तो वो देख दिखा देता है कि ये कैट है। रैट क्या है? ये रैट है, ये बैट है। तो इमेज के साथ एक टेक्स्ट हमारे दिमाग में बैठाया जाता है। वो इमेज आर्ट लिटरेचर हर जगह पे लागू होता है, क्योंकि इमेज के बिना हम आर्ट तो, मतलब विजुअल आर्ट तो खड़ा ही नहीं हो पाता है। विजुअल आर्ट में इमेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो विजुअल आर्ट में जो इमेज हम बना रहे हैं, जैसे कि एक इंसान की नाम लिया जाए, तो इंसान कैसे होता है, उसका एक स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? आँख होती है, दो एक नाक होती है, एक मुंह होता है, एक दो कान होता है, और उसकी जो बारीकी है, तो हम एनाटॉमी जिस दृष्टिकोण से हम आर्टिस्ट देखते हैं उसमें, कि आर्ट पार्ट में हमारे बॉडी को डिवाइड कर दिया गया है, आँख की पोजिशन कहाँ होना चाहिए, नाक की पोजिशन कहाँ होना चाहिए, ये स्ट्रक्चरलिज्म है। ये सटीक स्ट्रक्चरलिज्म जो होती है, तो वो ये है कि एक निर्दिष्ट चीज़ों की एक रखने की जगह, ये स्ट्रक्चरलिज्म का मेन मुद्दा है। और डिकंस्ट्रक्शन क्या है? एक कंस्ट्रक्शन का हजारों मतलब हो सकता है। जैसे कि सीएटी कैट तो बिल्ली हो गया, बीएटी बैट में दो मीनिंग आ जाता है। एक बैट जो उड़ती है, पशु है, और एक बैट में हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, एक सेंटेंस का भी हम एक ही मतलब निकले ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफाई और सिग्निफायर दो अलग अलग चीजें हैं। सिग्निफाइड होता है कि निर्दिष्ट, और सिग्निफायर होता है उसमें निर्दिष्ट नहीं होता है। तो कोई भी चीज का सटीक मतलब होता नहीं है, इसलिए डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी का सटीक आप कोई थ्योरी लिख नहीं सकते हो, या एक सही डेफिनेशन में उसको बांध नहीं सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेशन ही है इस तरह का कि उसकी डेफिनेशन के बियॉन्ड में जाकर, मेटाफिजिकल, यू नो, सो मेटाफिजिकल वर्ड आ ही जाते हैं इसमें। और यही एक चीज है जहाँ पे हम अपने दृष्टिकोण को एक अलग ही दरिया में ले जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। बिकॉज इसी के साथ ही पूरे आर्ट की जर्नी की, एक तरीके से वेस्टर्न आर्ट की जर्नी की शुरुआत हुई है। अगर हम कंस्ट्रक्शन को जाने, तो हम डिकंस्ट्रक्शन में, जैसे मातिस, मातिस की कुछ आर्ट फॉर्म को आप देखेंगे, वेरी सिंप्लीफाइड। उसमें एक इंसान को दिखाने के लिए हार्डली कोई निर्दिष्ट चीज़ों की उन्होंने इस्तेमाल की, फिर भी आपको देखने से पता चल जाता है कि ये इसमें एक इंसान है। तो वो जो डिकंस्ट्रक्शन का जो थियोरी है, इस तरह से आर्ट के अंदर आया है। तो इसी के आगे चलते हुए डाडा मूवमेंट आया है। डाडा क्या है? डाडा कुछ भी नहीं है। डाडा मूवमेंट के आज बहुत ही ज़्यादा डाडा मूवमेंट की चर्चित हो रहा है, कि यहाँ डाडा मूवमेंट की ये हुई है, वो हुई है। बट डाडा मूवमेंट जो यूरोप में आया था, वो पोस्ट सेकेंड वॉर आया था। वो इसलिए आया था कि हम सब चीज़ों को चैलेंज करते हैं। हम किसी चीज़ को मानते नहीं हैं। हम एक उड़नर को बिठा दिया, वो भी आर्ट है। हम कुछ भी कर सकते, तो वो भी आर्ट है। अब तक किसी ने एंटी डाडा मूवमेंट में आया नहीं है, क्योंकि डाडा मूवमेंट भी सटीक ढंग से किसी को
पता नहीं है क्या चल रही थी, क्या चल रहा है, या इट्स जस्ट ए नॉमेनक्लेचर को लेकर लोग नाच रहे हैं। तो ये डाटा शायद बहुत ही जल्दी टाटा भी हो जाएगी, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो ये जरूरी नहीं हम अपने चीजों में वो इम्प्लीमेंट करें। तो भारत की जो सभ्यता है, इसी जगह पे मैं कहता हूँ कि आप जानो अपने सभ्यता को, जहाँ पर हमारे यहाँ पे जो आर्ट है वो डिकंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल नहीं है, ना ही वो कंस्ट्रक्शन में भी है। ये उससे भी आगे चलकर एक जगह कायम किया हुआ है, वो है कि हम कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं डिकंस्ट्रक्शन के थ्योरी के बेस पे। तो ये जगह आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्ट नेवर डिड एनी डिकंस्ट्रक्शन। जब हमारे इंडियन ओरिएंटल आर्ट को हम परखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वहाँ पे जो बनाया गया है वो उसी दृष्टिकोण से बनाया गया, वो कंस्ट्रक्शन ही कर रहे थे आर्टिस्ट, वो डिकंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे। मातिस ने डिकंस्ट्रक्शन किया है, पिकासो ने डिकंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन को तोड़ा है, उस ग्रामर को तोड़ा है एक तरीके से। जैसे कि डिकंस्ट्रक्शन का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आर्किटेक्चर में दिखाई देता है कि किस तरह से आर्किटेक्चर आज के तारीख में बहुत सारे चीज़ों को, जो पहले स्ट्रेट लाइन मॉन्डेरियन से स्ट्रेट लाइन डिजाइन की थ्योरीज आई है, तो वो थ्योरीज को तोड़ कर, बैलेंस को तोड़ करके एक नया बैलेंस की स्थापना करना, ये डिकंस्ट्रक्शन की एक काम है। जो आप बेहतरीन एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि मुकेश अंबानी का घर है, वो भी डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी पे ही खड़ा है पूरा, उसमें स्ट्रेट डाउन कंस्ट्रक्शन का थ्योरी नहीं लगा हुआ है। जिस आर्किटेक्ट ने भी किया हुआ है, उन्होंने डिकंस्ट्रक्शन बहुत ही भली भांति इसमें इस्तेमाल कर रखी है। तो ये एक चीज है जो कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन थ्योरीज में हम बात करना चाहते थे। और डिकंस्ट्रक्शन का बात अगर करने जाए तो पूरा दिन भर चला जाएगा टाइम, और बहुत बड़ी थ्योरी है। तो कंस्ट्रक्शन डिकंस्ट्रक्शन इस तरह से छोटी मुद्दे पर मैं आप लोग के सामने रखा है आज। होप यू लाइक इट। और आप इसके पहले फ्रॉड का जो थ्योरीज है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है, और काफ़ी सारे विभिन्न आर्ट के ऊपर हमने चर्चा की है पिछले वीडियोस में। आपको अगर टाइम मिल जाता है तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस में जाकर ब्राउज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय मजुमदार हियर अगेन। थैंक यू, बाय।